हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट स्लेट या पीएचडी यूजी पीजी लेवल में जो इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यू जाते हैं उनके बारे में। तो ये पहला एमसीक्यू है, हु इन द रोमांटिक पीरियड, मतलब रोमांटिक पीरियड में कौन था, डिवेल्प्ड ए न्यू रियलिस्टिक ए न्यू नॉवलिस्टिक लैंग्वेज है, जिसने एक नॉवलिस्टिक लैंग्वेज का डिवेलपमेंट किया ना, फॉर द वर्किंग्स ऑफ द माइंड इन फ्लक्स, मतलब लोगों के मन में एक नए तरह के नॉवलिस्टिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। तो इसके आंसर दिए हुए हैं मारिया एजबर्थ, जो कि नहीं है, सर वॉल्टर स्कॉट, ये एक हिस्टोरियन था, ठीक है, ये भी एक राइटर है मारिया एजबर्थ, थॉमस डिक्वेंसी, रॉबर्ट साउथी वगैरह, ये थे एक अलग टाइप के राइटर्स थे, नेचर नेचर के बारे में लिखते थे। अब इसका फोर्थ आंसर है, ये हमारा फोर्थ आंसर, ये हमारा सही आंसर है, जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन को बारे में जान लेते हैं, कौन थे ये जेन ऑस्टिन, एक महिला राइटर थी, वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट नोन प्राइमरली फॉर हर सिक्स मेजर नॉवल्स, इसके जो मेजर सिक्स नॉवल्स थे वो थे, तो इसकी जो राइटिंग थी ना वो कंसर्न थी सोसाइटी पे, सोशल नॉवल्स थे इसके, ठीक है, इसके सारे सोशल नॉवल्स थे। इसका पहला नॉवल था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस रही थी इसकी। दूसरा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख लेना, जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस है और कंपलसरी है यूनिवर्सिटी में लगभग। तो मैंसफील्ड पार्क इसका एक फेमस नॉवल है। इमा, इसमें जो मैरिज के इश्यूज हैं वो दिखाए गए हैं इमा में, नॉर्थेंगर एबे और पर्सुएशन, तो ये इसके सिक्स नॉवेल्स थे। जान लेते अगला क्वेश्चन है, विच टू राइटर्स, मतलब कौन दो राइटर्स थे, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज राइटिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, कौन से दो राइटर हैं जिनको हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने के बारे में कहा जाता है कि वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिख लेते हैं। तो मेरी शेली एंड पी बी शेली नॉवलिस्ट नहीं थे, ये पोइट्स थे। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एच टी कॉलरिज, ये दोनों भी पोइट्स थे, नॉवलिस्ट नहीं थे, ये दोनों मतलब ए और बी है, ये रोमांटिक में आते हैं दोनों, तो ये नहीं थे, और ये दोनों ये सारे ही नेचर के लिए लिखते थे, नेचर पोइट थे। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को लिखा है, कॉलरिज ने सुपर नेचर को लिखा है। सर वॉल्टर स्कॉट एंड मारिया एजवर्थ दोनों ही हिस्टोरियन थे, इन्होंने हिस्ट्रिकल हिस्टोरिकल नॉवल्स लिखे हैं, ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवल्स लिखे हैं। नेक्स्ट है जेन ऑस्टिन एंड चार्लेट ब्रॉन्ट, तो इन्होंने क्या है, ये फीमेल राइटर है, तो इन्होंने ब्रॉन्ट सिस्टर है, वो तीन ब्रॉन्ट सिस्टर थी। जेन ऑस्टिन के हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसके सिक्स मेजर नॉवल्स हैं, और चार्लेट ब्रॉन्ट के काफ़ी फेमस नॉवल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं कि मारिया एजबर्थ और वॉल्टर स्कॉट कौन थे। तो मारिया एजबर्थ है वो 1768 टू 1849 तक थी, इसका लाइफ स्पैन, वॉज प्रोलिफिक एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट ऑफ एडल्ट चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल नॉवल्स, तो ये एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट थी। अब जान लेते हैं वॉल्टर स्कॉट के बारे में, तो 1771 टू 1832 तक ये रहे थे, वो जो स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट है, वॉल्टर स्कॉट से हम याद कर सकते हैं कि ये स्कॉट के थे, मतलब स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे, पोएट प्ले राइट एंड हिस्टोरियन, तो वॉल्टर स्कॉट भी एक हिस्टोरियन थे, मारिया एजबर्थ भी एक हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाइल कंपाइलिंग दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक, किस प्रकार की बुक को कंपाइल कर रहे थे, डिड सैमुअल रिचर्डसन कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ पामेला और वर्चू रिवार्डेड, पामेला और वर्चू रिवार्डेड, इसका सब टाइटल है और वर्चू रिवार्डेड, मतलब फुल टाइटल ही बोल सकते हैं इसको। तो जब ये किस प्रकार का काम कर रहे थे, किस प्रकार की बुक की कंपाइलिंग कर रहे थे, जब सैमुअल रिचर्डसन को ये आइडिया आया कि मुझे पामेला और वर्च्यू ऑफ रिवार्डेड की कंपोजिशन करनी चाहिए, तो ये हिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ नहीं था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनुअल फॉर मैनर्स ये भी नहीं था, ए बुक ऑफ डिवोशन भी नहीं था, ये थी ए बुक ऑफ मॉडल लेटर्स, ठीक है। जान लेते हैं कि रिचर्डसन कौन थे। सैमुअल रिचर्डसन वाज एन इंग्लिश राइटर एंड प्रिंटर नोन फॉर थ्री एपिस्टोलरी नॉवल्स, एपिस्टोलरी नॉवल वो होते हैं जो लेटर टाइप में लिखे जाते हैं, मतलब अगर 10 टाइप
उसमें चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर का 1 लीटर हो गया, दूसरे का दूसरा, तीसरे चैप्टर, ऐसे करके 10 है तो 10 लीटर हो गए। पब्लिश्ड ही वो लेटर की फॉर्म में होंगे। लास्ट में जन जाके उनको एक कंपाइल किया जाएगा और एक बुक का नाम दिया जाएगा और फिर उसका टाइटल दिया जाएगा। तो इसी तरीके से रिचर्ड्स ने, वो एपिस्टली नॉवल के लिए फेमस था। पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड इज एन एपिस्टली नॉवल, ये एक एपिस्टली नॉवल था। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1740 बाय इंग्लिश राइटर सैमुअल रिचर्डसन, कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू इंग्लिश नॉवल, ये पहला ट्रू इंग्लिश नॉवल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हु रोट आई वुड प्रेफर नॉट टू, ये किसने गई है, आई वुड प्रेफर नॉट टू। तो ये थे अमेरिकन राइटर हैं हरमन मेलविल। तो इनकी बुक है, इसका नाम था, ये इन्होंने कहा था, जान लेते कौन थे हरमन मेलविल। हरमन मेलविल 1819 टू 1891 वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोइट ऑफ अमेरिकन रिनेसा। तो अमेरिकन रिनेसा के पोइट थे। तो फ्रेंड ये थी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।